दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद की, उनके चमत्कार की यह कहानी है, जो अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से ली गई है। यह कहानी झारखंड पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले बालेश्वर प्रसाद की है। बालेश्वर प्रसाद जी की पत्नी को हमेशा पेट में दर्द बना रहता था। उस समय वे बिहार में सरकारी नौकरी करते थे। घटना सन 1990 की है। एक दिन अचानक उनकी पत्नी के पेट में दर्द उठा। दर्द इतना खतरनाक था कि घर के सभी लोग परेशान हो गए। बालेश्वर जी उस समय अपने ऑफिस में थे। तभी उनका नाती घबराया हुआ उनके पास आया और उन्हें बताया कि नानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी से घर चलिए। वे तुरंत भागकर घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी को लाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अस्पताल में दवा इलाज बराबर चलता रहा, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही थी। 3 दिन के बाद उन्होंने डॉक्टर से पत्नी को डिस्चार्ज करने की बात कही। चूंकि सन 1990 के श्रद्धांजलि समारोह में उन्हें हरिद्वार जाना था, वे रिजर्वेशन भी करवा चुके थे। इस वजह से वे बहुत परेशान थे कि पत्नी का इलाज करवाऊं या हरिद्वार जाऊं। पशुपेश की स्थिति में दिन बीतते रहे और एक दिन वह आ पहुंचा जिस दिन उनकी ट्रेन जालियांवाला बाग से हरिद्वार के लिए थी। वे बहुत सोच में पड़ गए कि क्या करूं। तभी याद आया, गुरुदेव माता जी के आश्वासन, तुम्हारे घर परिवार के कुशल क्षेम का हम ध्यान रखेंगे, तुम मेरा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। ये जानते हुए भी कि उन्होंने जिस गुरुदेव का हाथ पकड़ा है, वे जिनकी शरण में हैं, वे सर्वसमर्थ हैं। ऐसे में भी असमंजस की स्थिति ऐसी थी कि वे कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने निर्णय भविष्य पर छोड़कर वंदनीय माता जी का ध्यान करने बैठ गए। द्रौपदी, ग्राह गर्राज, ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा जैसे अनेकों उदाहरण उनके चलचित्र की भांति मस्तिष्क में उभरने लगे। वे ध्यान से उठे तो उनकी बुद्धि निश्चयात्मक हो चुकी थी। उन्होंने अपनी पत्नी से बड़े विश्वास भरे शब्दों में कहा कि अब तुम्हारा सब रोग सामान्य हो जाएगा, मैं माता जी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। उनकी पत्नी ने उन्हें हरिद्वार जाने के लिए कहा। इसके बाद वे तुरंत सामान उठाए और स्टेशन की ओर चल दिए। दूसरे दिन हरिद्वार पहुंचकर जब वे माता जी से मिले तो उन्होंने अपनी पत्नी की बारे में सारी बातें बताई। माता जी ने पत्नी का नाम तथा रोग के बारे में लिखकर उनसे देने को कहा और बोली कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वे श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में इस तरह तन मन से रम गए कि उन्हें परिवार की का ध्यान ही नहीं आया। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वे घर वापस आने पर पत्नी से दर्द के बारे में पूछे तो वह बोली कि आपके जाने के बाद से न जाने दर्द कहां चला गया है। इस घटना से वे इस तरह प्रभावित हुए कि वे मिशन के प्रति समर्पित हो गए और तब से वे पूज्य गुरुदेव की अपेक्षाओं के अनुरूप आत्मनिर्माण और लोक कल्याण के कार्यों में निरंतर लगे रहे। दोस्तों, ये मात्र कहानी नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो गुरुदेव से जुड़ने के बाद ये सोचते हैं कि उनके साथ पूज्य गुरुदेव हैं या नहीं, माता जी उनके साथ हैं या नहीं। दोस्तों, गुरुदेव जी और माता जी भले ही स्थूल शरीर में हमारे साथ नहीं हैं, मगर उनका सूक्ष्म शरीर हमेशा अपने शिष्यों की रक्षा सुरक्षा के लिए साथ रहता है। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि ऐसी घटनाएं आपके साथ घटी है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।